योर क्वेश्चन इज सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. व्हाट दे हैव गिवन, ए बाई एक्स माइनस बी प्लस बी बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टू. हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक एलसीएम. ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा. अब यहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू एक्स माइनस ए प्लस b इंटू एक्स माइनस बी दैट इज इक्वल टू टू. अब इसको सॉल्व करो, तो ये आ गया a इंटू एक्स इज ए एक्स माइनस a इंटू इज ए स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स इज बी एक्स माइनस b इंटू बी इज बी स्क्वायर बाई, यहां पर भी करो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू ए इज ए एक्स माइनस b इंटू एक्स इज बी एक्स प्लस b इंटू ए इज ए बी दैट इज इक्वल टू टू. ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू टू इज 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, क्योंकि यहां पर 2 है तो उसके नीचे 1 है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही आ जाएगा. तो दैट इज योर ax माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, सबको लेफ्ट में निकाल दो. तो देखो क्या आ रहा है आपका, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी एक्स प्लस टू ए बी, और ये हो गया माइनस ए एक्स माइनस का प्लस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो. एक्स को एक साइड में, एक्स स्क्वायर को एक साइड में और कॉन्स्टेंट को एक साइड में लेकर जाओ, तो देखो क्या आ रहा है. तो एक्स स्क्वायर अकेला है, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स और ए एक्स यहां पर भी है, तो कितना हो गया माइनस थ्री ए एक्स. माइनस टू बी एक्स माइनस बी एक्स इज माइनस थ्री बी एक्स, और कॉन्स्टेंट हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी दैट इज इक्वल टू जीरो. अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो यहां पर देखो एक्स इज कॉमन, तो क्या हो गया आपका, और माइनस थ्री भी कॉमन है, तो आपका हो गया ये टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज कॉमन, तो ये हो गया आपका ए प्लस बी. और यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर That is equal to zero. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, a into c, तो this is 2 and this is 1, तो that is 2, तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 into 1, है ना. तो अभी हम स्प्लिट करेंगे इसको इन 2 एंड 1 में, तो देखो आपका क्या आएगा, इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 2x और ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर माइनस x और यहां पर a प्लस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो. ये दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2x इज कॉमन, तो 2x इज कॉमन, तो यहां पर बचा x माइनस ए प्लस बी,
ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या है, a प्लस बी इज कॉमन, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस a प्लस बी इज कॉमन, तो आपका क्या बचा x माइनस a प्लस बी दैट इज इक्वल टू जीरो। एक आपको ब्रैकेट वाला लेना है, एक बाहर वाला लेना है, तो बाहर वाला लेंगे तो क्या आएगा आपका 2x माइनस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू जीरो, और ब्रैकेट वाला अगर हम लेंगे तो क्या होगा x माइनस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो x कितना हो गया हमारा a प्लस बी बाई टू, तो ये दो आपकी x की वैल्यू आएगी, तो आपको इसको इस तरह से करना है।